अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास. यस्टरडे वी हैड रेड पैराग्राफ नंबर 14 एंड 15. वी हैड ट्रांसलेटेड देम फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश एंड वी हैड आल्सो रेड 20 सेंटेंसेस विद द यूज ऑफ प्रपोजिशन एंड ऑल दीज थिंग्स वर डन फ्रॉम योर पीटीबी. टुडे वी शैल डू एसे नंबर 7 एज यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन. एसे नंबर 7 द मॉनसून और आ रेनी डे. ठीक है, मैं पढ़ने लगी उसको. गौर से सुने, अगर इमेज क्लियर नहीं है या आपको लगता है कि एम्बिगुअस है, आप अपनी पीटीबी सामने खोल लें. एंड इट्स अपॉन पेज नंबर 49 खोल लें, ऐसे सामने रखें. मैं आराम से पढ़ूंगी, आप इसको समझें, इसको फॉलो करें, फिर मैं एंड पे बताऊंगी कि इसमें मज़ीद क्या प्लस करने की ज़रूरत है. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पहले हफ्ते में. ओके, लिसन द टाइटल ऑफ द एसे, द मॉनसून और अ रेनी डे, बारिश का दिन. इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पहले हफ्ते में, द स्काई वाज हैवीली, आसमान बहुत ज़्यादा ओवरकास्ट होता है, अबर आलूदा होना बादलों से भरा हुआ होना. ठीक है, वो उसको बोलते हैं ना उर्दू में मतला अबर आलूद था. ठीक है, अब सुनने, दोबारा से सुनने जी. जुलाई के पहले हफ्ते में आसमान अबर आलूद था. एंड द रेन क्लाउड्स, और बारिश वाले बादल स्वेप्ट अक्रॉस द स्काई, आसमान में घूम फिर रहे थे, मंडला रहे थे. स्ट्रॉन्ग तेज साउथ जनूब वेस्टर्ली मगरबी विंड्स, हवाएं तेज जनूब मगरबी हवाएं, डेड ब्लू जो कि चलती हैं ओवर द इंडियन ओशन के ऊपर, जो हवाएं चलती हैं, ब्रॉट द मॉनसून, वो लेके आई मॉनसून के बादल, विच कॉज्ड अ लॉट ऑफ रेन, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश हुई. सो इट वाज द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड इट वाज क्लाउडी. And the clouds were of monsoon, and these clouds were brought by strong south westerly winds, and these winds blow over the Indian Ocean usually, and they cause a lot of rain. Second paragraph. साउथ वेस्टर्ली जनूब मगरबी मॉनसून, जो मॉनसून की हवाएं हैं, इज़ रिफ्रेशिंगली कूल, वो इतनी ठंडी होती हैं गर्मियों में, इतनी ठंडी होती हैं रिफ्रेशिंगली कि ताज़ा दम कर देती हैं. गर्मियों में जो जनूब मगरबी मॉनसून की हवाएं होती हैं वो इतनी ठंडी होती हैं कि ताज़ा दम कर देती हैं. एंड इट ब्रिंग्स, और ये जो हवा है, इट ब्रिंग्स रिलीफ, ये सुकून लेके आती है. इट ब्रिंग्स, ये लाती है रिलीफ, सुकून, टू द गैस्पिंग, हांपते हुए हीट, गर्मी, स्ट्रिकन, गर्मी के मारे, हीट स्ट्रिकन, गर्मी के मारे लोग. अब दोबारा से सुने. साउथ वेस्टर्नली मॉनसून इज़ रिफ्रेशिंगली कूल, जो साउथ वेस्टर्नली मॉनसून हवा है वो ताज़ा दम करने की हद तक ठंडी होती है. एंड इट ब्रिंग्स रिलीफ टू द गैस्पिंग, और ये सुकून का बायस बनती है, टू द गैस्पिंग हीट स्ट्रिकिंग पीपल, हांपते हुए गर्मी के सताए, गर्मी के मारे लोगों के लिए. सो इट डिड इन जुलाई, तो ऐसा ही जुलाई में हुआ, जुलाई की सख्त गर्मी में ऐसा ही हुआ. व्हेन द टेम्परेचर रोज
जब दर्जा हरारत बढ़ चुका था अलार्मिंगली ख़तरनाक हद तक जब दर्जा हरारत बढ़ चुका था ख़तरनाक हद तक हाई बहुत ज़्यादा हो चुका था अलार्मिंगली टेरिफाइंगली टेरिफाइंगली खौफनाक हद तक जब दर्जा हरारत बढ़ चुका था। न्यूज़पेपर्स अखबारात कैरीड अखबार रिपोर्ट्स अखबारात में ये खबरें होती थी ऑफ डेथ्स के मौतें हो रही हैं मौत हो रही हैं बाय हीट स्ट्रोक सन स्ट्रोक की वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से तपिश की वजह से और एग्जॉशन या थकावट की वजह से एंड द डेथ टॉल वाज माउंटिंग और शरह अमवात बढ़ रही थी। डेथ टॉल शरह अमवात माउंटिंग इजाफा होना शरह अमवात में इजाफा होता चला जा रहा था एवरी डे रोज़ बरोज़। अ नाइट बिफोर A night before, एक रात पहले it had been oppressively hot, बहुत ही ज़्यादा दबाने वाली गर्मी थी and humid और बहुत ही ज़्यादा नमी वाला मौसम था। ठीक है Now in this paragraph, second paragraph, we are told about of the utmost heat in the month of July and in the month of July when monsoon winds blows it is very refreshing it is very cool and it brings relief to the heat stricken people and it is the month July June May June and July you know that these months are intensely hot these are very hot in Pakistan so in these months even newspapers report about the deaths of many persons who are heat stricken or who are victim of sunstroke and the death rate was mounting or increasing every day A night before that cloudy day, that rainy day, it was oppressively hot and humid. It was dazzling sunshine. It was dazzling, dazzling आँखों को चुपती हुई बहुत ही ज़्यादा sunrise, बहुत ही ज़ोर से सूरज का चमकना सूरज का तलू होना and the moist dew और जो नमी के कतरे थे ऑन द ग्रास घास पे ग्लिटर्ड वो चमके इन द सनशाइन धूप में नो बट वाज द सीन ऑन डैट डे कि सूरज जो है वो पूरी आपोताप से चमका और जो घास पे पड़े हुए शबनम के कतरे थे वो धूप में चमकने लगे सरप्राइजिंगली अचानक से क्या हुआ द विंड रसल्ड थ्रू हवा शाइन करती थ्रू द स्विंग टॉप्स ऑफ ट्रीज दरख्तों की झूलती हुई शाखों में से गुजरने लगी दोबारा से सुने द विंड हवा रसल्ड हवा ने सरसराहट पैदा की शाइन करती हुई गुजरी थ्रू द स्विंग झूलती हुई टॉप्स चोटियाँ ऑफ ट्रीज दरख्तों की अब दरख्तों की जो ऊपर वाले पत्ते हैं उनमें से दरख्तों की चोटियों में से जो थी वो हवा शाइन करती हुई सरसराहट पैदा करती हुई गुजरने लगी डेट वॉज स्प्लेंडेड और ये बहुत ही उम्दा मंजर था द ह्यूमिड हीट वॉज गॉन इन नो टाइम अचानक से वो जो नमी सी थी अचानक से वो जो पसीना सा था वो पसीने का जो एहसास था वो ख़त्म हो गया वी सॉ द रोलिंग मैस हमने देखा रोलिंग मैस ऑफ ब्लैक क्लाउड्स मंडलाते हुए काले बादल अक्रॉस ब्लैक क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई आसमान के ऊपर हमने आसमान के ऊपर घूमते हुए काले बादल देखे देर वाज फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बिजली चमकी
क्विकली फॉलोड बाय अ क्लैप ऑफ थंडर और फौरी बाद में क्विकली फौरी बाद में बाय अ क्लैप ऑफ थंडर उसके बाद बादल गरजा। पहले बिजली चमकी, सबसे पहले तेज़ हवा चली कि दरख्तों की जो दरख्तों में जो है वो शाइन शाइन की आवाज़ें सरसराहट पैदा हुई। इट वाज अ स्प्लेंडिड सीन। उसके बाद क्या था, ब्लैक क्लाउड्स अपीयर्ड ऑन द स्काई, आसमान पे काले बादल घूमते हुए नज़र आना शुरू हुए। देन देर वाज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड दिस फ्लैश ऑफ लाइटनिंग वाज फॉलोड बाय थंडर ऑफ क्लाउड्स। अब इसके बाद क्या था, बादलों की गरज गूंज उठी। लार्ज रेन ड्रॉप्स बड़े बड़े बारिश के कतरे, लार्ज बड़े रेन ड्रॉप्स बारिश के कतरे बिगेन शुरू हो गए टू फॉल गिरना, बड़े बड़े बारिश के कतरे गिरना शुरू हो गए। द मोमेंट दे फेल, जिस लम्हे वो गिर रहे थे, द ड्राई अर्थ सक देम, तो ज़मीन इतनी ड्राई हो चुकी थी कि वो ज़मीन में जज़ब होते चले जा रहे थे। सख होता है चूसना, यहाँ पे एब्जॉर्ब के मायनों में कि ज़मीन इतनी सख्त गर्मी में इतनी ड्राई हो चुकी थी कि वो उनको एब्जॉर्ब करती चली जा रही थी। इट वॉज़ फॉलोड बाय, अब इसके बाद क्या हुआ, पहले बड़े बड़े कतरे गिरे, उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज़ फॉलोड बाय अ हैवी शॉवर, बाद में तेज़ बारिश शुरू हो गए। हैवी शॉवर, तेज़ बारिश शुरू हो जाना, हैवी रेन। इन द सूदिंग शेडोज ऑफ डार्क क्लाउड्स द स्ट्रीट्स वर टर्न्ड इनटू स्ट्रीम्स। इन द सूदिंग शेडोज ऑफ डार्क क्लाउड्स, काले बादलों के पुरसकून साए में द स्ट्रीट्स वर, गलियां जो थीं टर्न्ड, वो बदल गई इनटू स्ट्रीम्स, नदियों में। इट वाज raining so heavily that the streets were turned into streams. Very beautiful line. Streets turned into streams. The high walls, जो बुलंद जो ऊंची ऊंची दीवारें थीं, were drenched, वो भी भीग गईं। The leaves of trees, दरख्तों के पत्ते, sparkled in glee, वो भी खुशी में दमकने लगे। ग्ली हैप्पीनेस को बोलते हैं। लो लाइंग एरियाज, नशेबी जो इलाके थे, वर फ्लडेड, वो पानी से भर गए। इतना पानी आ गया, यूं लगे जैसे वहाँ पे सैलाब आ गया है। द यंग नौजवान एंड द ओल्ड, और बूढ़े लोग। द यंग रिप्रेजेंट द होल ऑफ द यंग पीपल and the old represent the old men and women, जो नौजवान थे जो बूढ़े थे, alike एक तरह। ran up and down the flooded streets, वो भागने लगे आगे पीछे भरी हुई पानी से भरी हुई गलियों में, नौजवान या बूढ़े सब जो थे वो पानी से भरी हुई गलियों में भागने लगे। वहाँ पे थे सीन्स ऑफ जुबिलेशन, हर तरफ खुशी का समान था। जुबिलेशन बोलते हैं, हैप्पीनेस को बोलते हैं, रिजॉइस को बोलते हैं, खुशी को बोलते हैं। ऑल अराउंड हर तरफ खुशी का मंजर था। देन द लास्ट पैराग्राफ, इट रेन्ड फॉर It rained for about an hour, तकरीबन एक घंटा बारिश हुई। Light vehicles, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ थी ना, broke down on the flooded roads, वो पानी से भरी हुई सड़कों में ख़राब हो गई। Breakdown, मशीनरी का ख़राब हो जाना, चूँकि हम एक दिन का वाक़या बयान कर रहे हैं। Breakdown, गाड़ियाँ जो थीं वो ख़राब हो गई। Motorcyclists, जो मोटरसाइकिल सवार थे, स्लिप, फिसल गए। फेल इन पूल्स ऑफ वाटर, और वो पानी के तालाबों में गिर गए। नोबॉडी फेल्ट सॉरी, लेकिन दुख किसी को नहीं हो रहा था। यू नो रेन डज, यू नो आपको पता है,
इट डज़ नॉट रेन एवरी डे, कि बारिश रोज़ नहीं होती, डज़ इट क्या होती है? ओके जी, नाउ लिसन, द एसे इज़ गुड बट इट डज़ नॉट हैव सफिशेंट मटीरियल. यू हैव टू ऐड 3 पैराग्राफ्स टू दिस एसे. 1 पैराग्राफ शुड बी अबाउट रेन इज़ आ नेचुरल फिनोमिना. रेन इज़ आ नेचुरल फिनोमिना. द सेकेंड पैराग्राफ मस्ट बी अबाउट रेन इज़ आ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. रेन इज़ आ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एसे यू मस्ट एड अ पैराग्राफ रिगार्डिंग योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ अ रेनी डे. नाउ लिसन अगेन, इस एसे में आप 3 पैराग्राफ्स प्लस करें. पहला इसी से रिलेटेड कि हाउ इज़ रेन अ नेचुरल फिनोमिना, किस तरह ये कुदरती अमल है रेन का. उसके बाद आप ये बताएं कि हाउ रेन इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, उसमें आप बताएं कि किस तरह ये क्रॉप्स के लिए, फील्ड्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, हीट स्ट्रिकन पीपल के लिए किस तरह से ये बहुत ज़रूरी है, किस तरह से अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है. एंड पे आप अपना रेनी डे का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस जो अच्छा हो, यू विद योर फैमिली, यू विद योर फ्रेंड्स, और यू ऑन सम पिकनिक पॉइंट लाइक दैट. आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें रेनी डे का, जो कि आप पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को आप ऐसे के एंड में पुट करेंगे. इस तरह आपका ऐसे जो आउटस्टैंडिंग बन जाएगा. ये मटेरियल आप सनशाइन से भी ले सकते हैं, किप्स में से भी ले सकते हैं, या इवन के यूनिक में भी अच्छा दियो, यूनिक से भी ले सकते हैं. इट्स अप टू यू, जितना आपको ईजी लगता है, जिस तरह आपको ईजी लगता है आप उस तरह से कर लें. बट रिमेंबर, ऐसे आपने याद ज़रूर करना है, याद करके आपने लिख के देखना है. हम सोच रहे हैं कि ईद के बाद कोई इस तरह से कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए कि आपके लिखे वैसे जो हैं वो आपसे लिए जाएं, या आपके नोट्स वगैरह आपसे कलेक्ट किए जाएं किसी तरह व्हाट्सएप इमेजेस की सूरत में, ताकि कोई आपकी भी एफिशिएंसी नज़र आए कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ओके, टिल टुमारो, गुड बाय, लर्न द एसे प्रॉपरली, अल्लाह हाफिज़.